नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के नाम से कांग्रेस चेयरपर्सन के नाम एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष ने सोनिया गांधी से अपील की है कि वो शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार ना बनाए। हालांकि जमीयत की तरफ से इस लेटर का खंडन किया गया है और कहा गया है कि ये लेटर फर्जी है, जिसे किसी ने षड्यंत्र के तहत वायरल किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। वायरल लेटर में 18 नवंबर 2019 की तारीख है और मौलाना के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है। ललितपुर के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भोले भाले लोगों से एटीएम कार्ड बदलकर रुपए ठगने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवक ने जुर्म कबूल भी कर लिया है। आरोपी युवक ने बताया कि वो भोले भाले लोगों को ठगता था और पैसा निकालने के बहाने उनके पीछे खड़ा हो जाता था और उनका पिन देख लेता था। इसके बाद मदद करने के लिए के बहाने उनका एटीएम बदल कर पैसे निकाल लेता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,40,000 रुपए बरामद किए हैं। मथुरा में संरक्षण और इलाज के दौरान मरे हाथियों के लिए एक स्मारक का निर्माण किया गया है। स्मारक का निर्माण हाथियों को संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था वाइल्ड लाइफ SOS ने किया है। वाइल्ड लाइफ SOS के मैनेजर नरेश कुमार ने बताया कि हाथियों के लिए बनने वाला ये स्मारक देश का पहला स्मारक है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था 23 हाथियों को बचाने का काम कर रही है। फिलहाल इन्हीं हाथियों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाथियों की याद धूमिल ना हो जाए, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। लखनऊ के नगराम में बनने वाली श्राइन सिटी के गोमती नगर स्थित कार्यालय में अधिकारियों ने के नदारद होने से हड़कंप मच गया। श्राइन सिटी के में पैसा लगाए सैकड़ों निवेशकों को जब पता चला कि तो वो कार्यालय में जमा हो गए। निवेशकों ने कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। श्राइन सिटी के निवेशकों को डर है कि कहीं उनके लगाए लाखों रुपए डूब ना जाए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही श्राइन सिटी के SD उत्तमा अग्रवाल को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। राजधानी पुलिस के शर्मनाक करतूत सामने आई है। पुलिस ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए एक वकील को जमकर परेशान किया और उसको टॉर्चर किया। पीड़ित वकील ने बताया कि सभी पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे। वकील ने बताया कि उनके साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया। वहीं जानकारी मिलते ही वकीलों ने थाने के बाहर हंगामा किया तो पुलिस के अधिकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पीड़ित वकील ने बताया कि पुलिस ने दबाव बनाकर उनकी दी हुई तहरीर को बदलवा भी दिया। हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के पास पहुंचे, उतने में दो SI और आशुतोष सिंह और राजू सिंह, ये लोग शराब के नशे में आए और कंप्यूटर ऑपरेटर और ये दोनों लोग मिलकर हम लोगों से झड़प और गाली गलौज करते हुए हम लोगों को धक्का देकर थाने के बाहर निकालने लगे। और इतने में 40-50 पुलिस वाले कुछ ड्रेस में कुछ अनड्रेस में आए और हम लोगों को धक्का देके ईंट बम में मारते हुए थाने के बाहर भगाने लगे। लखनऊ में यातायात माह को देखते हुए SSP और SP ट्रैफिक ने 1090 चौराहे का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ने वन वे और एकल दिशा मार्ग का निरीक्षण किया। SSP कलानिधि नैथानी ने लोगों से अपील की कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गलत साइड से गाड़ी ना चलाएं। जलौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक मजदूर का शव रहस्यमय ढंग से पेड़ से लटका मिला। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मजदूर का शव काफी पुराना था। शव पूरी तरीके से सड़ चुका था और उसमें से बदबू भी आ रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। घर से निकला था नौकरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। तो बाद में सूचना मिली कि उसने पेड़ के लटक के फांसी लगा ली है, तो पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में 4 दबंगों ने एक नाबालिग युवती के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में नाबालिग छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। वहीं हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल छात्रा को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि वो और उनके पति खेत में गए थे, बेटी को अकेले छोड़ दिया था। घर पर आए तो देखा बेटी खून से लथपथ पड़ी है। मां ने बताया कि बेटी अभी बेहोश है, होश में आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मैं, मेरा पति खेत में काम करने गए थे, मेरा छोटा बेटा, मेरी बेटी घर पर थी और बाहर के कुछ लोग आए गांव के ही, जिन्होंने घर में बेटी पे चाकू से जानलेवा हमला किया। हमीरपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 2 दिवसीय कार्य
का बहिष्कार किया। विद्युत कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि पीएफ घोटाले की सीबीआई से जांच हो। वहीं दोषियों को सलाखों के पीछे भेज रहे कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम लोग आंदोलन को मजबूर होंगे। बता दें कि अभी हाल ही में विद्युत विभाग में 2631 करोड़ रुपए का पीएफ घोटाला सामने आया था।